नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक का आप सभी लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं और एग्ज़ाम होने के बाद अब जो है पूछा जा रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे कल भी और आज भी एक वीडियो में जो है कमेंट बहुत सारा आया कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो एक्चुअल में दोस्तों, ये जो रिजल्ट है ना, बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर में जो है आने वाला है, क्योंकि बता रहे हैं कल एक हमारे मित्र हैं जो कि गए हुए थे आपको बिहार SSC के ऑफिस में, तो कोशिश किए वे पता लगाने का। उनको बोला गया कि इस जो है नेक्स्ट मंथ में जो है नेक्स्ट मंथ के मिड तक, यानी कि 15 दिन के अंदर में जो है आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। जो मिनिमम क्वालिफाई नेचर पे जो रिजल्ट दे दिया जाता है फर्स्ट वाला, पहले वो रिजल्ट आपको तुरंत आ जाएगा, मतलब उसमें टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। रिजल्ट जो है जल्द से जल्द वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसका एक ही भी रीज़न है कि इस वैकेंसी पे जो है केस चल रहा है। जब केस जब चलता है ना किसी वैकेंसी पे, तो आयोग उसको जल्दी से सोचता है कि शॉर्ट आउट करे उस वैकेंसी को, मतलब उसको सब जो है क्लियर करके उसको जल्दी से हटाए। तो हमको लगता है कि 15 से 20 दिन काफ़ी है, जो पहला जो मिनिमम क्वालिफाई नेचर पे जो रिजल्ट आता है वो आपको आ जाएगा। मेरिट लिस्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 2 ढाई 3 महीना, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर पे रिजल्ट है वो इस यानी कि 15 दिन अभी से मान जोड़ लीजिए उस टाइम में आ जाएगा। तो ठीक है, और भी कोई कुछ अगर पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत गर्मी है दोस्तों, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।